मोहन एस देलकर जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूं सर कि आपने मुझे बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बोलने की अनुमति दी। अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर आसन से सर मैं दखल भी चाहता हूं और निर्देश भी चाहता हूं, इसलिए कि ये विषय बहुत गंभीर है। सर, हम सब कटिबद्ध है, संकल्पित है कि इस देश से कुपोषण को खत्म किया जाए या कम किया जाए, और सर आप भी इसमें बहुत ही इस विषय पर बहुत ही आप गंभीर हैं। मेरा क्षेत्र सर दादरा नगर हवेली सबसे ज्यादा प्रभावित है कुपोषण से, और इसलिए सर मैंने तुरंत चुनाव के बाद भारत सरकार को अप्रोच किया था, यहाँ खास करके सर खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय से, और मैंने ये वहां पर जाकर के विनंती की थी कि कुपोषण को कम करने के लिए, हटाने के लिए पोषण युक्त आहार की भी बहुत जरूरत होती है। तो मैंने ये गुजारिश की थी सर भारत सरकार से कि जैसे कि दक्षिण गुजरात और मध्य गुजरात जो आदिवासी विस्तार क्षेत्र है, और महाराष्ट्र का भी, वहां पर सर जो गुजरात सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने पीडीएस के थ्रू जो आइटम दी जा रही है, जैसे कि दादरा नगर हवेली में सर सिर्फ चावल और गेहूं दिए जाते हैं, और गुजरात सरकार और महाराष्ट्र सरकार आदिवासी क्षेत्र में सर गेहूं और चावल के साथ साथ सर दाल भी देते हैं, फोर्टिफाइड नमक भी देते हैं, ऑयल भी देते हैं। तो मैंने ये गुजारिश की थी सर भारत सरकार से कि ये सारी सुविधा नगर हवेली में भी लागू की जाए। मैं भारत सरकार का सर आभारी हूं कि तुरंत भारत सरकार ने सर ये आदेश जारी किए, निर्देश जारी किए कि ये जो गुजरात में जो सुविधा दी जा रही है वह सारी सुविधा महाराष्ट्र सरकार से जो सुविधा दी जा रही है वह सुविधा भी दादरा नगर हवेली को दी जाए। ये निर्देश आदेश सर इसी साल जून महीने में भारत सरकार से ये आदेश हुए थे, लेकिन सर दुख की बात यह है कि आज 5 महीने हो चुके हैं लेकिन अभी तक इसको अमल नहीं किया गया, और आज भी हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, आज भी लोगों को वो सुविधा नहीं मिल रही है। इसके पीछे कारण क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं सर दो चीजें आपसे चाहता हूं, आपके थ्रू भारत सरकार से गुजारिश करता हूं। यहां स्टेट होम मिनिस्टर बैठे हैं रेड्डी साहब, जो दादरा नगर में और केंद्र शासित प्रदेश को देखते हैं, तो सर मैं दो चीजें यहां से आसन से भी चाहता हूं, निर्देश हो सर। एक कि तुरंत जो सर यहां भारत सरकार से आदेश हुआ था उसको तुरंत लागू किया जाए सर, तुरंत लागू किया जाए, नंबर वन। और नंबर टू सर, कौन अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने आदेश के मुताबिक, आदेश होने के बाद भी यह आदेश का वहां पर अमल नहीं किया, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सर वहां कार्यवाही होनी चाहिए। ये दो बातें मैं चाहता हूं सर, ये गंभीर मुद्दा है। मैं चाहता हूं सर कि स्टेट होम मिनिस्टर कुछ बयान करे, क्योंकि 5 महीने से हमारे लोगों के साथ गलत का हो रहा है, अन्याय हो रहा है सर, इसलिए मैं सर आसन से भी चाहता हूं कि आपकी तरफ से भी निर्देश हो इस बारे में सर।